मेरे साथ स्टूडेंट है नीरज। नीरज आप कहाँ से? जी सर, यूपी फैजाबाद। फैजाबाद से एशिया टेलीकॉम क्यों? जी सर, एशिया टेलीकॉम इसलिए क्योंकि यहाँ का जो नॉलेज है वो बहुत ज़बरदस्त। हम आपको फॉलो कर रहे थे सर 3 साल से, और 3 साल से फॉलो करते करते हम आपके सारे जितने भी यूट्यूब पे वीडियो डालते थे उन सबको देखते हुए उनके अकॉर्डिंग काम करता था और हमारा सक्सेस हो जाता था। लेकिन फिलहाल हमको ज़रूरत थी ज़्यादा नॉलेज की, तो सर वो चीज़ हमको मिल नहीं पा रहा था। हम सोचे कि क्यों ना आप ही के पास जाके वो नॉलेज हम प्रॉपर ले लें वहाँ से खुद जाके, क्योंकि वीडियो के सारे उतना नॉलेज नहीं मिल पाता। तो हम सोचे कि यहाँ पे आके प्रॉपर नॉलेज ले लें, फिर उसके बाद काम करें। तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिला है? जी सर, जी सर, एकदम 100%। जी सर, जी सर, एकदम नहीं नहीं सर, एकदम फुल्ली ट्रेस, फुल्ली एकदम काम, जॉब डन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आपने और भी तो इंस्टीट्यूट के वीडियो देखे होंगे? जी सर, देखे तो बहुत सारे थे। बहुत सारे प्रलोभन भी देते हैं, आप आइए हम ये कर देंगे, बोर्ड फ्री कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो ऐसा क्यों? हमने तो कुछ भी नहीं दिया सर। कहने के लिए क्यों ज्वाइन किया आपने? कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं सर, लेकिन जो हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, हमको जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखा, उसको देखते हुए हम यहाँ पे आए, और वो कॉन्फिडेंस हमको यहाँ पे आने के बाद मिला भी। मतलब वो कॉन्फिडेंस हमारे पास क्यों आया मैं बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस जो कि लोगों में, नए लोगों में नहीं। यहाँ जी सर, वो नए लोग कहीं से सीख के जा रहे हैं, फिर अपना इंस्टीट्यूट डाल के सिखा रहे हैं सर, उनके पास जाना नहीं चाहते हम। जो आप इतने साल के पुराने टेक्नीशियन हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ इसे टेलीकॉम में जो भी टीचर्स हैं, देवतन अग्रवाल जो आप पहले क्लास अटेंड किए आपकी, जो कि सर जो छठ में पढ़ाते हैं और जो मिलन सर एमएमसी पढ़ाते हैं, किसी ऐसा तो नहीं लगा कि इनको कुछ पता नहीं है? नहीं 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 सर, जो भी पूछा हमने, जो भी हमारे डाउट्स, सारे डाउट क्लियर हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं 3 साल से काम कर भी रहा था, जितने भी हमारे 3 साल के डाउट थे सब आने के बाद यहाँ पे क्लियर हुए हैं। एकदम जबरदस्त सर, एकदम जबरदस्त सर, उन्होंने ऐसी ट्रिक बताई है कि 4 स्टेप में हमारे सारे सॉफ्टवेयर डन हो जाते हैं सर। एकदम जबरदस्त सर, उन्होंने आईसी निकाली, पेस्टेड आईसी निकालने की ऐसी ट्रिक बताई है कि दो मिनट के अंदर एक आईसी निकल जाएगी सर, 2 मिनट के अंदर। जी सर, पेस्ट भी आप अच्छे से, जी सर, अच्छे से क्लीन बोर्ड पे आपने, क्योंकि मदरबोर्ड को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीबी लोग निकाल तो लेते हैं, पर कैसे हीट, क्या हीट डाल के किसी को फुला देते हैं, वो फुला देते हैं, डैमेज हो जाता है सर, फिर किसी काम का नहीं रह जाता, टेंपर हो जाती है, कोई काम की नहीं। जी सर, तो अगर आपके पास अगर कोई फोन लोगो पर आ रहा है, अगर आपके पास कोई ऑटो पोर्ट बना रहा है या कोई पोर्टिटी बना रहा है, तो उसको आप बहुत अच्छे से एकदम फुल सर उसकी ट्रेनिंग करके फाइंड आउट, एकदम जबरदस्त सर, दुकान पर बैठ के अच्छे से काम करना, कस्टमर को सर्टिफाइड करना, और उसके बाद बढ़िया नाम कमाना, बढ़िया काम करना है। और प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। जी सर, क्या आपने जो सीखा है वो जी सर, आपको अपने उसको जी सर, जी सर, उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है सर, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि यहाँ आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलेंगे सर? यहाँ आने वाले स्टूडेंट के लिए हम तो बोलेंगे आइए, उनका वेलकम है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज उनको मिल जाएगा वो कहीं पे जाके नहीं मिलेगा। अगर वो जाना चाहते हैं तो जाके देख लें एक दो बार, लेकिन फिर लास्ट में 1-2 साल फिर भटक के यहीं पे आना उनको। जी सर, यहाँ पे कौन बढ़ सकता है? यहाँ पे सर जो स्ट्रगल करना जानते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं और अपने आप में कुछ त्याग करने की क्षमता रखते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे आके सीख कर सकते हैं। जब एक बार आ गए तो फिर बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा सर, बहुत कुछ। तरक्की करेंगे तो फिर तरक्की से आमदनी बढ़ती है और आमदनी से बिल्कुल सर। जी 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 बिल्कुल सर, आप अगर कम समय में तरक्की करना चाहिए पॉसिबल है क्या? नो सर, हम आपको यही सब कुछ 10 दिन में दे सकते हैं? नहीं सर, 10 दिन में नहीं हो सकता, 10 दिन में नहीं हो सकता। नहीं। अगर आपको 24 घंटे भी पढ़ाएंगे तो पढ़ लोगे क्या? 24 घंटे कोई कंटिन्यू पढ़ ही नहीं सकता सर, कोई नहीं पढ़ सकता। और दिमाग लेवल इतनी सख्ती रखी नहीं सकता, वो हैंग हो जाएगा ऐसे ही उनका, फिर सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा दिमाग में भी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच नीरज आपका, और मैं यही जानना चाहता, अब मैं यही चाहूंगा और मेरी टीम यही चाहेगी कि आप अच्छे टेक्नीशियन। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।